हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने दो आलू को उबाल लिया है। आलू को हम मैश करेंगे हाथों से। हम ग्रेट भी करेंगे जिससे कि जो आलू के चंक्स हैं खाने में बाइट्स में अच्छे लगे। आलू को मैश कर लेने के बाद यहाँ पर मैं डालूँगी एक प्याज को छोटे छोटे चॉप करके। डालेंगे यहाँ पे एक कटा हुआ हरी मिर्च, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लेंगे जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, एक चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लावर और डालेंगे एक कच्चा अंडा। ये सभी डाल लेने के बाद हम अच्छे से एक बार हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अब हम कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और फ्राई करेंगे। अब हम ले लेंगे एक पैन और डालते जाएंगे इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पकोड़े को। तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। एक बारी में हमारा जितना है हमें उतना ही फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम में हम 2 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, फिर हम साइड चेंज कर लेंगे। 2 मिनट बाद हम साइड चेंज कर लेंगे और इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हमें एक तरफ फ्राई करना था। जब हम पलटेंगे तो हम इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे, नहीं तो अंदर का हमारा कच्चा रह जाएगा। ये 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहे तो इसे चावल या दाल के साथ खा सकते हैं। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। हम साइड चेंज करके पलट पलट के इसे फ्राई करेंगे जब तक हमारा दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। 5-6 मिनट हो गए और हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर कलर आया है। निकाल के हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखने में जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखें। और तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता आप चाहे तो चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर बना के देखें, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।